नमस्कार, जय माता दी मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, क्या आप भी या आपके परिवार का कोई सदस्य बुरी तरह से फंसा हुआ है कोर्ट कचहरी के चक्कर में? ना चाहते हुए भी जाने अनजाने आप पर कर दिया है किसी ने कोई मुकदमा, कर दिया है कोई केस किसी ने, और हो रहे हैं हजारों लाखों रुपए आपके बर्बाद उसके पीछे। साल दर साल बीत रहे हैं, केस चल रहा है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, आप परेशान हैं। इस कारण आपका बिजनेस व्यापार बैठ गया है, नौकरी चली गई है इस केस के चक्कर में, और केस समाप्त ही नहीं होता। मुकदमे के चक्कर में मनुष्य दो स्थिति में पड़ता है, एक जानबूझकर, एक अनजाने में। यदि आप भी चाहते हैं किसी के साथ केस लड़ना, किसी पर केस करना, तब तो आप स्वेच्छा से कचहरी पहुंच जाते हैं, फिर आपको इससे निकलने की आवश्यकता ही नहीं। लड़िए जब तक लड़ना है, या जीत मिलेगी आपको या हार। मनुष्य तब फंस जाता है जब जाने अनजाने कोई अन्य उस पर कोई मुकदमा कर दे, कोई केस कर दे। अब आपको बचना है, पर केस तुरंत खत्म होता नहीं। आप कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, पैसे पे पैसे खर्च हो रहे हैं, और साल दर साल बीत रहे हैं। प्रतिष्ठा गई, इज्जत गई, पैसे गए, केस खत्म होने का नाम ही नहीं हो रहा। जब यह केस खत्म होगा, तब भी आपको जीत मिलेगी या हार आपको पता नहीं, और क्या होगा पता नहीं। यदि ऐसी उलझनों में उलझा है आपका जीवन, यदि आप भी इस मुकदमे से परेशान है, तब आज एक अद्भुत प्रयोग लेकर आई हूँ। यह एक प्राचीन उपाय है, कभी भी निरर्थक नहीं गया है। जितने भी मेरे मुझसे कंसल्टेंसी लेकर जिसने भी इसे किया है, 100% सफलता मिली है। कई लोगों पर आजमाया हुआ, प्रयोग किया हुआ यह उपाय आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। समय हो तभी इसे ध्यान से सुनिए, जल्दबाजी में इसे सुने नहीं, स्किप ना करें। किसी भी तरह से सुने और किसी भी तरह से कर लिया, ये ना करें। थोड़ा समय निकालें, धैर्य से सुनिए, समझिए इस प्रयोग को, उसके बाद ही करें। 100% जीत ही जीत मिलेगी। कैसा भी केस हो, कैसा भी मुकदमा हो, फैसला आपके हक में होगा। केस समाप्त हो जाएगा या केस करने वाला स्वयं सामने से आएगा और ये केस खत्म कर देगा, उठा लेगा। अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। समझिए कैसे करना है इसे, किस दिन करना है इसे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, इस प्रयोग में कोई मंत्र का जाप नहीं है, कोई बहुत सिद्धि प्राप्त नहीं करनी आपको। साधारण सा व्यक्ति है जिस पर मुकदमा चल रहा है, वह तो खुद ही अपने जीवन में बहुत परेशान है। बिना मंत्र के आज बहुत सरल उपाय बता रही हूँ, साधारण प्रयोग बता रही हूँ। यह प्रयोग आपको 3 अमावस्या लगातार करनी है, और यदि कोई अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण पड़ जाता है, फिर समझिए कि ईश्वर ने आपकी सुन ली। चंद्र ग्रहण के दिन ही करें यह प्रयोग, ना पड़े चंद्र ग्रहण, 3 अमावस्या लगातार यह करें प्रयोग, अर्थात 3 माह तक। अमावस्या तिथि को प्रथम स्नान आदि कर ले, स्वच्छ कपड़े पहन ले। अपने पहने हुए कपड़े में काले रंग का वस्त्र अवश्य पहने, किसी भी तरह का पुरुष हो, ऊपर एक काला शर्ट या काला टी शर्ट भी पहन ले, कोई भी एक काला वस्त्र। महिला भी कर सकती है इसे, महिला कर रही है, काला दुपट्टा ही ले लें जो दिन भर आपके शरीर पर रहेगा। आपको एक सूती का स्वच्छ सफ़ेद रुमाल खरीद कर लाना है। यह रुमाल आप पहले से खरीद कर ला सकते हैं। अमावस्या तिथि को स्नान करने के बाद इस रुमाल को आपको अपनी जेब में रख लेना है प्रथम सुबह ही, और पूरे दिन इस रुमाल का आपको इस्तेमाल करना है। जब आपके चेहरे पर पसीना आए, इसी रुमाल को निकाल कर पोछिए। आप जब खाना खाएं, इसी रुमाल को निकाल कर हाथ पोछिए, गला गर्दन पोछिए, चेहरा पोछिए, हाथ पोछिए। मतलब दिन भर इस रुमाल का प्रयोग आपको अपने शरीर के टच में करना है, और फिर इसे जेब में रख लीजिए। दिन जब बीत जाए, संध्या ढल जाए, 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक के बीच में आप इस रुमाल को निकालकर बिना धोए, जैसे आपने इस्तेमाल किया हो, किसी एक जगह बिछा दें, किसी टेबल के ऊपर रख दें। आपको लकड़ी का कोयला चाहिए एक मुट्ठी,
चारकोल समझते होंगे आप, कोयला जो होता है पत्थर का होता है, एक लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी को जलाकर उसे बुझा दिया जाता है, वो बहुत आसानी से जल जाता है, वो भी एक ईंधन है। आपको कुछ टुकड़े लकड़ी के कोयले चाहिए, आप इसका इस्तेमाल, आप इसे पहले से ही मंगा कर इसको रख सकते हैं। आप इस रूमाल के ऊपर कुछ टुकड़े लकड़ी के कोयले का रख दें, एक मुट्ठी लकड़ी का कोयला इस रूमाल के ऊपर रख दें। इस लकड़ी के कोयले को रूमाल के ऊपर रखने के बाद आप इसे एक मुट्ठी बना लें, कपड़े को मोड़ लें, एक गठरी बना लें, अपने दाहिने हाथ में इसे उठा लें। मित्रों, इस बात का ख्याल रखिए कि यह टोटका करते वक्त कोई आपको ना देखे, आप मुंह से कोई शब्द ना बोले, कोई आपको ना टोके, कोई प्रश्न ना पूछे, अर्थात अकेले में यह करना है, शांति में करना है। आपने वह पोटली बना ली, अपने दाहिने हाथ में पोटली को उठा लिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज। जनरली हमने किसी चीज़ को, हम आरती उतारते हैं क्लॉकवाइज, दाहिने से बाएं की ओर जाते हैं, आपको अपने सर से पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसे वारना है। इस पोटली से खुद की नज़र उतारते हैं ना, जैसे वैसे नज़र उतारनी है 7 बार, और 7 बार नज़र उतारते वक्त मन ही मन में बोलें कि मेरे ऊपर जो भी केस मुकदमा चल रहा है वह समाप्त हो जाए, मेरे ऊपर जो भी केस मुकदमा चल रहा है वह समाप्त हो जाए। 7 बार अपने को वारें आप इससे, और सीधे चले जाएं किसी भी सुनसान जगह पर, चौराहा पर, जहां आपको ये रुमाल कोयले सहित फेंक कर आ जाना है। जाते वक्त भी कुछ मुँह से ना कहे, कोई टोके नहीं आपको, जब फेंके तो इस विश्वास के साथ फेंके, ऐसी अनुभूति करें कि आप इस रुमाल को नहीं फेंक रहे हैं, आप अपने ऊपर जो केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, वह आपसे दूर जा रहा है, उसे आप अपने शरीर से हटा रहे हैं, फेंक रहे हैं, इस भावना से आप उसे फेंकें। वहाँ से आने के बाद किसी से बात ना करें और कोई अन्य कार्य ना करें, कुछ खा ना ले, कुछ भी ना करें, प्रथम स्नान करें, जो सुबह से आपने कपड़े पहने रखे हैं उसे भी आप धो लें, प्रथम सर से पानी डालकर स्नान करें, बह जाने दें बिल्कुल अपने शरीर से हर चीज़, उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिए, किसी से बात करें। आप प्रथम अवश्य ही जब यह प्रयोग करेंगे आपको सामने वाले से कुछ संकेत मिलेंगे जिसने केस किया है आप पर, आपको दूसरा अवश्य भी करना है। कभी कभी प्रथम अमावस्या के बाद ही केस हिल जाता है और केस समाप्त भी हो जाता है, परंतु आपको 3 अमावस्या अवश्य पूर्ण करना है। यदि ग्रहण ना पड़े तो, यदि पहले अमावस्या के बाद दूसरी अमावस्या को चंद्र ग्रहण है तब आपको चंद्र ग्रहण में ही समाप्त हो जाएगा यह उपाय, उसके बाद फिर नहीं करना पड़ेगा। अथवा आपको 3 अमावस्या अवश्य करें यह प्रयोग, 3 से पहले ही आप हर प्रकार के केस से, मुकदमे से मुक्त हो जाएंगे, जीत ही जीत मिलेगी, 100% गारंटी है। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।